ऐसा ये अभी इतना हवाया हुआ है ना, इसको बाहर घूमने ले जा रहा हूँ, बट इसको ना विंडो से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये इसलिए चिल्ला रहा है कि मतलब मेरे को सीट पे बैठने के लिए क्यों बोल रहे हो, मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर देखना है, ये देख लो कितना पगलाया हुआ है, करने लग जाएगा बस भाई। यार मौसम में इतनी गर्मी है यार, कल रात में दिल्ली में बारिश हुई है, उसके बाद भी इतनी गर्मी है ना, पूछो मत। और उस पर ये हमारा हवाड़ी राम, उसको ले जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर इसके मुंह से ना बदबू बहुत आ रही है, सोच रहा हूँ इसको नहला दूँ कहीं ले जाके, है ना भाई। ऐसे तो घर पे भी नहला सकते हैं, बट स्टिल मतलब एक प्रोफेशनल जगह की बात अलग होती है, तो वहीं ले, देख लो देख लो देख लो कितना हवाने में लगा हुआ भाई। इसको अभी सिर्फ बाहर देखना और कुछ भी नहीं है, इसका आज मोटिव यही है कि मुझे बस किस तरह से बाहर दिखा दो, मुझे खिड़की खोलो, मुझे बाहर देखना है बस, और कुछ नहीं है इसको, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, ये इसलिए पगलाया हुआ है। पर का मोड़ पे ना किसी भी टाइम आ जाओ, सुबह आ जाओ तो ये हाल होता है, दोपहर को आओ तो ये हाल होता है, शाम को आओ तो ये हाल होता है, किसी भी टाइम आओ ना भाई ट्रैफिक ही लगा रहता, समझ में नहीं आता भाई ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम एरिया है और क्यों उसको सॉल्व नहीं कर पाते भाई, ट्रैफिक वाले भी रहते हैं उसके बाद भी यही हाल रहता है। इसको लगाओ हमारे जगह ट्रैफिक वाले को, ये देखो ट्रैफिक वाला लगेगा ये, फिर देखो गाड़ियां कैसे निकलती हैं। ऑल ही वांट्स बाहर जाना है, बाहर निकल जाना है, खूनम खून हो रखा है भाई, ग्रीन हो चाहे रेड हो कहीं जा नहीं सकते। तू तो क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे तो, हम नहीं जाएंगे लेके तेरे को कहीं पर भी घूमने, ऐसे करेगा बदमाशी तो, देख लो बस बस ये चालू हो गया, ये देख लो कूदा फानी इधर से उधर करता रहेगा और कुछ नहीं है, देख लो इसको चैन नो है, इसको खिड़की से बाहर निकलना और उस तरह से नहीं निकलना है, जिस तरह से मैं बैठा हूँ उस तरह से ही निकलना है, देख रहे हो, मतलब मैं इस तरह बैठा हूँ तो मेरी तरफ से ही निकलना है, हवा भी खानी है ना इसको, इस वाले वेंट से हवा भी खाएगा, देखो जा भी नहीं रहा, बाहर भी देखना, दोनों काम करना है इसको एक साथ भाई साहब। वाह, द्वारका मोड़ पे बर्गर किंग का बैनर लगा है, वाह, मील स्टार्टिंग एट 99, तो इन्होंने भी मैकडी की कॉपी कर ली और कुछ नहीं है। अब द्वारका मोड़ पे ना एक शॉप है, पेट शॉप, वहां जा रहा हूँ मैं इसको लेके भाई, देखो खाली है तो भी, मतलब लोग ना अजीब हो गए हैं भाई, मतलब कुछ तो वैसे ही ट्रैफिक लगा रहता है सारा टाइम, अब कुछ ये लोग हैं जो ये ट्रैफिक जानबूझ के लगा के रखते हैं, मतलब बीच में रोक देंगे, साइड में रोक देंगे, भाई अब दुनिया मरती रहे पीछे, इनको फर्क नहीं पड़ता यार, हद है यार इनकी तो। इसको देख लो, ये जीभ निकाल के बैठा है इतनी लंबी सी, बस थोड़ी सी इसको प्यार कर दो, बस ये तुरंत कूदने को तैयार हो जाता है, नो आई डोंट, आई वोंट टेक यू, अपनी जगह बैठे रहो, मेरे को नहीं पता आप वहीं बैठोगे, देख रहे हो कैसे गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, देख रहे हो फुल खुंदस में ये, नो नो आई वोंट टेक यू, नो नो, देख रहे हो फुल फायर है भाई ये अभी, ये है वो पेट शॉप भैया, यहाँ चलेंगे हम लेके इसको, यहाँ पे होगी इसकी ड्राई क्लीनिंग, इट्स अ बिग स्टोर, नाइस, इतने आइटम आते हैं ना और इतने कॉस्टली पूछो मत, इनका ऑटो फ्रेश भी आता है, डॉग माउथ फ्रेशनर स्प्रे, बताओ यार, हमने आज तक अभी फ्रेशनर यूज नहीं किया, इसके लिए यूज करना पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा एक, बिकॉज इट्स नीडेड। कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये कॉलर्स, वाह यार, देखते हैं यार कुछ एक आधा चीज ले ही लेंगे यार, मतलब आए हैं तो, लुक सो नाइस मेरे बच्चे, सही आइटम है, ये देख लो ये अंदर रूम में चला गया है, फौजी कुत्ते की तरह लगा हुआ है, गलत ही स्थिति पैदा कर दे, तो फौजी कुत्ता है मेरा, भाग के आगे बाहर, अब भागो बेटा कहाँ भागोगे, जाने नहीं देंगे, अब जाने का ऑप्शन भी नहीं बचा है तेरे पास, तो
क्या मस्त खुशबू आ रही है मरफ्यूम से भाई साहब, क्या मस्त। फटाफट से शैम्पू लगा के उन्होंने पाउडर वाउडर पता नहीं क्या क्या दो दो स्प्रे कर दिए इसके ऊपर, बिल्कुल चमक गया। मुंह साफ कर दिया, टीथ क्लीन कर दिए इसके। और क्या चाहिए इसको, देखो खुश है, हैप्पी। तेरी मैंने पहली बात जो है बाहर करवा दी ना, और किट चाहिए तेरे को? अब घर में ही नहला दिया करेंगे। क्योंकि यार इसके लिए जो शैम्पू था ना, वो शैम्पू एक्चुअली ले लिया इन्होंने, एक अच्छा शैम्पू रेकमेंड किया। दिस इज़ द वन, मतलब इन्होंने बोला कि दिस इज़ द नाइस वन, मतलब भाई साहब इस पर लिखा हुआ भी है कुछ लग्जरी बात एंड ऑल दैट, लग्जरी पपी बात, मतलब कॉन्सलेशन बाय लोज़ालो, माय गुडनेस। एक ये ले लिया विच वॉज मच नेसेसरी, क्योंकि यार हर बार तो यार बाहर लेकर आना और नहलाना, जितने का शैम्पू है उतने की नहलाई हो जाती है। अब प्लस एक ये ले लिया इसके लिए प्रोटीन डाइट, तो अब जिसको सेरेलैक देते हैं सेरेलैक में थोड़ा सा ये मिला के देना है, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। पता नहीं क्या क्या खाएगा इसके, तो क्या क्या मेडिसिन खाएगा। चल तो रहे हैं भाई, अब तुम पी पी मार के मुझे कहाँ भेज दोगे। आगे फटाफट सब घर चलते हैं, ये अच्छा है कि घर के पास में है तो ज़्यादा टाइम लगता, बस द्वारका मोड़ का जाम का तो मैंने आपको बता ही दिया है। फटाफट इसको लेके घर पहुंचते हैं, देखते हैं घर वाले कैसे खुश होते हैं इसको देख के। क्या मस्त शांति से बैठ गया है, आप देख रहे हो अब इसको नींद आ रही होगी। और हम घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, बस ट्रैफिक कम लगे तो। जय खाटू श्याम बाबा की। क्या आपने लिखा ये वाली? हाँ भाई, क्यों शर्म आ रही है आपको, इसके दांत टूट गए, देखो कैसा ऐसा लग रहा है। फटाफट से मैं ऑफिस के लिए तैयार रहता हूँ, आ जा आ जा। इधर नीचे से कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर। होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। और सबसे पहला काम जो करवाया ना आज मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से सोचा था मर्फी को ले जाऊँ उसको, उसका फर्स्ट बात करवा के एक बार थोड़ा सा अपनी तसल्ली होती है, देख लो कि कैसे क्या कराते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर आप घर पे भी कर सकते हो एंड ऑल दैट, मतलब शैम्पू वैम्पू ये सब चीज़ें। बाकी छोटी मोटी ग्रूमिंग के लिए तो आपको ले ही जाना पड़ेगा यार, वो खुद से तो आप नहीं कर सकते, दैट इज़ वन थिंग। बट ठीक है, इसका बाथिंग करवा दिया, ठीक है, इज़ ओके, इज़ वेरी हैप्पी, खुश है थोड़ा सा, इसको लाइट फील हो रहा होगा ऑब्वियसली। एंड देन स्मेल, हो क्या मस्त स्मेल आ रही है इसमें, मतलब क्या ही यार, वो कुछ पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ स्प्रे या फिर क्या पता शैम्पू, मतलब जो भी है, बट अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसमें से। तो चलो ये सब हो गया है, बाकी अब मैं निकल गया ऑफिस के लिए। और भाई ऑफिस तो आपको पता ही, गुड़गांव में तो बवाल मचा हुआ है। अभी करते हैं आगे बात, चलो फटाफट से पहले जो है ना एक्चुअली गैस डलवाना है, तो सोच रहा हूँ कि पहले गैस डलवा लेता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बाकी मौसम तो यार कतई जहर हो रहा है भाई, कतई जहर गर्मी, मतलब बारिश भी हो रही है उसके बाद भी भाई समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ लेके जाएगी इतनी गर्मी, कौन सी डिग्री पढ़ा है यो। तो इसका इंतजार है कि ये फटाफट बन के तैयार कब होगा, ये देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है देखने में। ये सब जब प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा ना, फुल लाइटिंग वाइटिंग होगी ना भाई, एकदम ही जबरदस्त लगेगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्लासिक। कहाँ जा रहा है तू? बाकी देख रहे हो कंस्ट्रक्शन कितना तेजी से चल रहा है भाई साहब, दवा के काम चल रहा है, जल्दी मेरे ख्याल से इस साल ही पूरा करके रेडी कर देंगे। ये वाले कुछ बॉर्डर्स के तो भाई पिलर्स के, एक्चुअली बॉर्डर के पिलर्स की रंगाई पुताई और साइड की जो रेलिंग है वो सब भी लगनी शुरू हो गई, वेरी नाइस। कितने ही प्रकार के रोलर हैं भाई, ये देख रहे हो, ये वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा था, ये छोटे टायर वाले एकदम रोलर भाई, मतलब ये है कि आजकल फुल लगे हुए हैं काम पे, ये फटाफट काम खत्म करके भाई रोड रेडी कर देनी है एकदम, साथ ही साथ पिलर्स का भी काम चल रहा है, रोड का भी काम चल रहा है, वेरी नाइस। और इसी के साथ हम पहुंच गए एयरपोर्ट वाली रोड पे, देख रहे हो यार रोड और इसका लेवल कितना ऊंचा कर दिया है, मतलब यार रोड अभी और उठेगी, फिर सीमेंटेड होगी उसके बाद, तो मतलब क्या मस्त लगेगा ना व्यू, देख रहे हो एक बार वाइड एंगल में देखो कितनी चौड़ी रोड लगेगी ना। कह रहा था ना गुड़गांव में, भाई गुड़गांव में चल क्या रहा है,
मतलब पहले मणिपुर से शुरू हुआ, देन एमपी एंड देन अब गुड़गांव में भाई, मतलब लोगों को क्या ही हो गया है, मतलब यार प्यार मोहब्बत से रहो, क्या किन बातों में उलझे हुए रहते हैं यार, मतलब जीवन में लिटरली मुझे लगता है कि कुछ लोगों के इतना वक्त है कि मतलब यार ये सब कांड करते हैं यार, मतलब किसी का कुछ अच्छा निकल रहा होता है तो भैया पत्थर मार दो, तो भैया कुल्ला कर दो, तो कभी कुछ कर दो, यार क्यों करना है यार, मतलब ऐसे काम यार जिससे कि मतलब किसी को भी यार, मतलब इनफैक्ट यार आप अपने घर के बाहर कुल्ला करो और किसी और के ऊपर डाल दो ये नॉर्मल भी, तो यार उसको कितना बुरा लगेगा, बुरा क्या भाई, वो मारेगा ही मारेगा भाई, बिना मारे वो छोड़ेगा नहीं, तो यार जब ऐसी चीज़ों पर कोई नॉर्मली नहीं छोड़ सकता तो यार वाई डूइंग सच थिंग्स, जब कोई ऐसे रिलीजियस चीज़ें निकल रही हों यार, लोगों की सद्भावना भाई ये सब जुड़ी हुई रहती हैं भैया, उनको हल्का सा भी आहत कर दोगे ना, इट्स नॉट गुड, जैसे कि अभी यूपी में देखने को मिला यार, बताओ कावड़ियों पे लाठी चार्ज कर दी यार, बताओ मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब ठीक है मानता हूँ यार थोड़ा बहुत उठपटांग होता है ऊपर नीचे होता है, बट यार लाठी चार्ज करना है यार, मतलब हम सीधे नहीं जा पा रहे हैं तुम उल्टा लेके खड़े हो, अच्छा रोड बना रहे हो तब ठीक है, तब देन इट्स ओके, अब क्या गजब की रोड बना दिया भाई, मतलब मस्त चकाचक, अब तो सर्विस लेन भी मस्त कर दी है, वाओ वेरी नाइस आई लाइक इट, बॉर्डर ऑर्डर का काम चल रहा है, बॉर्डर ऑर्डर डल रहा है, मस्त हो जाएगी है, पर ट्रैफिक का भी कुछ हो जाए तो बेटर है यार, क्या आ गया हम बबुआत से, बिल्कुल चमक ओढ़ के आए हैं, बिल्कुल वाइट एंड येलो में, बाकी बस फटाफट से आशीष को पिक कर लिया है, अब ऑफिस पहुंचते हैं, काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो भाई आशीष को ड्रॉप भी कर दिया और अपने घर के लिए हम निकल गए हैं। हाय साहब, आज वैसे रोड पे चहल पहल तो कम है, मे बी गुड़गांव के वो जो सीन चल रहा है नू वाला उसके चक्कर में, बट स्टिल ट्रक्स की तो आवाज आई है और ऐसा कुछ सिचुएशन वर्स नहीं था हमारे ऑफिस के पास, तो उसके अलावा पता नहीं क्या सिचुएशन रही हो,